नमस्कार, स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। हम एक बार फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ। मुजफ्फरपुर समाहरणालय के सभागार में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में जिला परिषद के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव सम्पन्न कराया गया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए सीट आरक्षित थी, जिसमें रानी कुमारी को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। कुटनी क्षेत्र की संख्या 27 व निरूपा सिंह को उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया, जिन्हें जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने प्रमाण पत्र दिए। रानी कुमारी क्षेत्र वहीं उपाध्यक्ष निरूपमा सिंह ने बताया कि समाज के लिए जो काम होगा वह तनमन धन से करेंगी। उन्होंने बताया कि आने वाले बरसात से पहले जल जमाव की समस्या से परेशानी का सामना गांव के लोगों को करना पड़ता है, उससे निजात दिलाने का काम भी करेंगे। जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का आज चुनाव संपन्न कराया गया। हाल ही में जो पंचायती राज के विभिन्न पदों के लिए चुनाव हुए, जिसमें जिला परिषद सदस्यों का निर्वाचन संपन्न हुआ, तो ये जिला परिषद के लिए जो निर्वाचित सदस्य हैं उन सदस्यों के मध्य इसका चुनाव कराया जाता है, जिसमें जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन होता है। आज समाहरणालय के सभागार में दोनों पदों के लिए यहाँ पर निर्वाचन संपन्न कराया गया, जिसमें निर्विरोध रूप से अध्यक्ष पद के लिए श्रीमती रीना कुमारी निर्वाचित घोषित हुई हैं। इसी प्रकार जिला परिषद के उपाध्यक्ष पद के लिए श्रीमती निरुपमा सिंह निर्विरोध रूप से निर्वाचित घोषित की गई हैं। दोनों ही पदों के लिए सिर्फ एक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुआ और दोनों की समीक्षा की गई, दोनों ही नाम निर्देशन पत्र सही पाए गए, जिसके आधार पर दोनों पदों के लिए निर्विरोध रूप से निर्वाचित घोषित किया गया है। एक बार मैं पुनः बता दूं कि श्रीमती रीना कुमारी अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित हुई हैं, जबकि श्रीमती निरुपमा सिंह उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित हुई हैं। ये अध्यक्ष पद आरक्षित है जी, ऑलरेडी पहले से सभी लोगों को सूचित भी हम लोगों ने कर दिया था और आरक्षित। आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।